वेलकम स्टूडेंट, अभी तक हमने 11 टू 11 क्वेश्चन 7.2 के एक्सरसाइज 1 टू 11 क्वेश्चन पढ़े थे। अब ये 12 क्वेश्चन चैप्टर खत्म करने के लिए 12 क्वेश्चन देखिए। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है कि द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी जो भी लेंथ हो उसे 3 कम है ब्रेथ, यानी b कितना है l माइनस 3, लेंथ से 3 कम। तो मान लेते हैं कि लेंथ हमारा x है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, x मीटर या x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, x माइनस 3, देन ब्रेथ इक्वल्स टू x माइनस 3 यूनिट, यहां पे सेंटीमीटर मीटर तो देने रखा है तो यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज डिमिनिश्ड बाय 5 सेंटीमीटर, द एरिया रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब कोई चेंज नहीं आया, ठीक ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए फिर से, सेंटीमीटर में बढ़ा रहा है तो ये किसमें है, सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा, 3 कम यानी कि x माइनस 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आएगा, एरिया हमारा आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी x इनटू x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या x इनटू x, x स्क्वायर माइनस 3x, ये क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगेन इफ क्या कर रहे हैं, लेंथ को बोला जा रहा है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 9 सेंटीमीटर, इंक्रीज्ड बाय 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय या डिमिनिश्ड बाय 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, लेंथ को 9 सेंटीमीटर डिक्रीज किया जाए तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, x पहले था और 9 इंक्रीज कर गया यानी x प्लस 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा, देखिए ब्रेथ पहले था x माइनस 3 और इसमें 5 और बढ़ मतलब घट डिविट कम हो गया तो माइनस 5, यानी क्या हो गया सीधे x माइनस 8 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि एरिया चेंज नहीं हुआ, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया कितना हो जाएगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ l इनटू d, यानी कि x प्लस 9 इनटू x माइनस 8, ठीक है। न्यू एरिया कितना हो गया, x प्लस 9 इनटू x माइनस 8, ठीक है। अब आगे सॉल्व कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं x इनटू x, x स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो प्लस 7x माइनस 8x प्लस x माइनस 17, ये हो गया हमारा एरिया। देखिए ये भी एक एरिया था, ये भी क्या है, एरिया, दोनों क्या है बराबर है, दोनों एरिया क्या होंगे बराबर। इसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एरिया जो पहले था और ये एरिया जो बाद में आया, दोनों क्या है इक्वल है, दोनों इक्वल है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3x हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी क्या हो गया 3x प्लस x 4x बराबर 72, 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में यानी x बराबर 72 अपॉन 4 यानी 18 सेंटीमीटर। यानी क्या कहा जा रहा है कि लेंथ यदि 18 सेंटीमीटर होगा, लेंथ कितना होगा 18 सेंटीमीटर, तो ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और लेंथ 18 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या हुआ, ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हमारा हो गया 18 माइनस 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर।
ये ओल्ड हमारा पुराना जो ओरिजिनल था वो आ गया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, निकल गया लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार फॉलो करना। ओके चलिए आगे देखते हैं। पहली बात, एक फिर से रेक्टेंगल, इसका एल है और ये बी है, बोल रहा है कि लेंथ का 1/3 से 5 ज्यादा है, क्या ब्रेथ? तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है एक्स सेंटीमीटर, ठीक। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, हमने अभी अभी पढ़ा कि ब्रेथ जो है वो 1/3 से 5 ज्यादा है, यानी ब्रेथ इक्वल्स टू 1/3 ऑफ लेंथ, लेंथ कितना है एक्स से 5 ज्यादा, 5 मोर देन, यानी 5 प्लस, यानी एक्स बाई 3 प्लस 5 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया ब्रेथ आ गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 42 सेंटीमीटर, क्या है सॉरी ठीक है 30 नंबर क्या कह रहा है कि द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 42 सेंटीमीटर, पेरिमीटर दे रखा है, तो पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। और दूसरा चीज हमें पता है पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इनटू एल प्लस बी, ये किसके बराबर होगा 42 सेंटीमीटर के बराबर, 2 इनटू एल कितना है एक्स प्लस ब्रेथ कितना है एक्स अपॉन 3 प्लस 5 इक्वल टू 42। आपको पता है इधर सॉल्व होगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड भी आ सकता है, यानी ये पहले सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए 3, 1 से 3 बार में 3 1 3 से 3x प्लस 3 से 1 बार में 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 3 से 5 बार में 15 बराबर कितना हो गया 42 अपॉन 2, 2 से कट जाएगा कितने बार में 21 बार में, ठीक है। अब देखिए 3 इधर किस में डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी फर्दर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि 3x प्लस एक्स 4x प्लस 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू 21, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी 4x प्लस 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21 इनटू 3 यानी 63, ठीक है। अब देखिए आगे इधर प्लस क्या उधर गया तो माइनस क्या, यानी 4x बराबर क्या हो गया 63 माइनस 15, ठीक है, यानी 4x बराबर 53 में से की जाएगा कितना 48, x बराबर कितना हो जाएगा 48 अपॉन 4, क्रॉस कीजिएगा कितने बार में 12 बार में, यानी x बराबर क्या आ गया 12, यानी लेंथ जो हमने माना था l x माना था ये x बराबर 12 हो गया और ब्रेथ कितना था x by 3 plus 5 यानी 12 by 3 4 plus 5 9 सेंटीमीटर ब्रेथ आ गया, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ हमने दोनों निकाल दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 14 क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता मदर, द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सुनीतास मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, यानी जो सुनीता का प्रेजेंट एज है वो उसके मदर जो मदर का प्रेजेंट एज है वो सुनीता से 3 गुना है 3 टाइम्स है, ठीक है, यानी इसमें जो भी मदर का जो एज है वो सुनीता का 3 गुना है, ठीक है, मदर का जो प्रेजेंट एज है वो सुनीता से कितना है 3 गुना, यानी बेस इसमें कौन है सुनीता, सुनीता से डिसाइड हो रहा है मदर का, तो यानी सुनीता को ही एज्यूम करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता इज एक्स ईयर, देन प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ
सुनीता's मदर कितना हो जाएगा भाई, थ्री टाइम्स है यानी थ्री इंटू एक्स यानी थ्री एक्स ईयर, ठीक है। क्या निकल गया, परसेंटेज ऑफ सुनीता भी निकल गया और परसेंटेज ऑफ इसकी मदर का भी निकल गया, सुनीता एज मदर का भी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, यह 14 नंबर क्वेश्चन। आफ्टर सिक्स ईयर द सम ऑफ देयर एज विल बी 64 ईयर, छह साल बाद, सबसे पहली बार छह साल बाद दोनों की उम्र कुछ अलग अलग आएगी, तो आफ्टर सिक्स ईयर लिख देते हैं कि आफ्टर सिक्स ईयर, छह साल बाद की बात की जा रही है, तो छह साल के बाद क्या होगा, एज ऑफ सुनीता, एज ऑफ सुनीता, सुनीता की एज कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस बात है एक्स थी आज और छह साल बाद छह प्लस हो जाएगी यानी सिक्स प्लस सिक्स ईयर हो जाएगा। वैसे ही यदि हम बात करें छह साल बाद उसकी मम्मी की उम्र, एज ऑफ सुनीता मदर, सुनीता के मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी, तो भाई छह साल उसकी भी उम्र बढ़ जाएगी, छह साल के बाद था थ्री एक्स आज के डेट में और छह साल बाद प्लस हो गया, तो इतना ईयर हो गया। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो छह साल बाद जो दोनों की उम्र है इनको जब सम करते हैं जोड़ते हैं 24 आता है, जोड़ने पर कितना आता है 64, सम ऑफ देयर एज विल बी 64 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ एज यानी x प्लस 6 में यदि हम 3x प्लस 6 को जोड़ते हैं तो क्या देता है 64 दे रहा है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, x प्लस 3x 4x प्लस 6 प्लस 6 2l बराबर 64, 2l इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी 4x बराबर क्या होगा 64 माइनस 12 यानी 4x बराबर 52, 4x बराबर क्या हो गया 52, x बराबर क्या हो जाएगा 4 दे जाएगा तो डिवाइड में यानी 13 बार में, x बराबर कितना हो गया 13 ये, इसका मतलब क्या होगा आज के डेट में जो सुनीता की उम्र है वो कितना है x यानी कि 13 साल है, उसकी मम्मी की जो उम्र होगी आज के डेट में वो 3x है यानी 3 into 13 39 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से निकल गया, क्या एज ऑफ सुनीता पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, यहां पर प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता लिखेंगे, अगले इसके बाद क्या लिखेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 13 ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सुनीताज मदर इक्वल्स टू 3x यानी कि 3 into 13 बराबर 39 ईयर, यानी दोनों की ही आज के ऊपर निकल गई, एक का 13 साल दूसरे का 39 साल 39 ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है 15 क्वेश्चन के, 15 क्वेश्चन भी एजेस वाला ही है और इसमें रेशियो है, तो वही 3x और 5x चलेगा, क्या चलेगा 3:5 है तो 3x और 5x, फिर वही चीज आ गया सेम टू सेम। राहुल है वरुण आर इन द रेशियो 3:5, ठीक है, यानी लेट द राहुल इज 3x लेट द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर 3x respectively, ठीक है। दोनों की उम्र कितनी है 3x है और 5x है, आगे देखो after 6 year the sum of their age will be 7 year later the sum of their age will be 62 years, 7 साल बाद, पहली बात 7 साल बाद दोनों की उम्र ही 7 साल प्लस हो जाएगी, यानी after 7 year 7 साल के बाद क्या होगा, तो age of राहुल, एज ऑफ राहुल कितना होगा 3x plus 7 हो जाएगा और एज ऑफ हरुण कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, यानी ये भी 7 साल जुड़ जाएगा, तो दोनों की उम्र क्या हुई 7-7 साल
बढ़ गई। अब जो इनका सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 साल के बाद जो वाला जो सम है, ठीक ना, 7 साल के बाद का सम कितना होगा, 3x + 7 + 5x + 7, ये कितना है 62, ये कितना है 62, यानी 3x + 5x, 8x + 7 + 7, 14 = 62, 14 अगर लिया तो माइनस में, यानी 8x = 62 - 14, यानी 8x = 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48/8, 8 से कट जाएगा कितना आएगा 6 बराबर, यानी x = 6। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू निकली, अभी किसी की एज नहीं निकली है, क्योंकि सब इसका यहाँ राउंड का ये 3x है और अराउंड का ये 5x है, x तो किसी की उम्र ही नहीं है, लेकिन x की वैल्यू 6 निकल गई। तो हम क्या करेंगे, अब निकालना है हमें ये प्रेजेंट एज ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी राहुल का जो प्रेजेंट एज होगा वो कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल का कितना हो जाएगा 3x, यानी कि 3 × 6 = 18 ईयर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही प्रेजेंट एज ऑफ अरुण यदि रहेगा अगले में अरुण, तो अरुण का कितना हो जाएगा 5x, यानी 5 × 6 = 30 ईयर हो जाएगा। तो दोनों का ही हमने बारी बारी से निकाल दिया इस x के अनुसार, ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। तो राहुल का एज 3x यानी 3 × 6 = 18 और अरुण का एज 5x यानी 5 × 6 = 30, ठीक है, 18 और 30 दोनों आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके ग्रैंड फादर से 35 साल कम है। देखिए पहले इसका रफ स्केच बना दीजिए, ये है इसका फादर है और इसका ग्रैंड फादर है। तो क्या बोल रहा है कि जो ग्रैंड फादर है वो 35 साल बड़े हैं, या फादर जो है 35 साल छोटे हैं, इनके बीच से गैप कितना हो गया 35 है। आगे आगे बोला जा रहा है कि एंड ग्रैंड फादर इज 63 ईयर ओल्डर देन हिम, और ये जो है वो 63 ईयर ओल्डर है, किससे, इससे, ठीक। यानी देख रहे हैं कि दोनों का ही रिलेशन किससे दे रखा है, ग्रैंड फादर से दे रखा है। द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री इज 112 ईयर, फाइंड द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। देखिए इसमें सबका रिलेशन किससे दे रखा है, ग्रैंड फादर से, यानी ग्रैंड फादर की बेस है। तो जो बुनियादी होता है उसे हम एक्स मानते हैं, इसे मानेंगे तो इससे पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर इससे ये निकालना पड़ेगा, या फिर आप यदि इसे मान लेंगे तो इससे ये निकल जाएगा, इससे ये भी निकल जाएगा। तो सिंपल है, निकाल दीजिए, लेट द एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज एक्स, ग्रैंडफादर की उम्र कितनी है एक्स, तो सीधे बात फादर की एज, द एज ऑफ, द एज ऑफ फादर, फादर की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, ग्रैंडफादर से 35 साल छोटे हैं तो एक्स माइनस 35, एंड एज ऑफ ए, ए की उम्र कितनी हो जाएगी, तो ग्रैंडफादर से वो कितना छोटा है 63, कितना छोटा है 63 ईयर, यानी एक्स में से 63 माइनस हो जाएगा, इससे 63 साल बड़ा है, इससे 63 साल छोटा निकल गया, तीनों की उम्र निकल गई, ग्रैंडफादर की एक्स, फादर की एक्स माइनस 35 और एज ऑफ ए एक्स माइनस 63। आगे बोला जा रहा है कि तीनों का जो एज का सम है वो 112 ईयर है, तीनों के एज का सम कितना है 112। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि तीनों को जोड़ दीजिए, एक्स प्लस एक्स माइनस 35 प्लस एक्स माइनस 63 इक्वल्स टू कितना है 112। अब सॉल्व कर दीजिए, एक्स प्लस एक्स 3x माइनस 35 माइनस 63 माइनस का 98 बराबर 112, ये इधर माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में, यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा 112 प्लस 98, 3x बराबर 210। तो x बराबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी 3 से डिवाइड, 3 से कितने बार में 70 बार, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 70।
एक्सहेल कितनी हो गई 70, यानी ग्रैंडफादर की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी 70 साल। ग्रैंडफादर की उम्र कितनी हो गई 70 साल, और ग्रैंडफादर की उम्र निकल गई तो आप एज ऑफ फादर भी निकाल सकते हैं। ग्रैंडफादर की उम्र कितनी हो गई एक्स, यानी कि 70 है। फादर की उम्र कितनी हो जाएगी, हमें पता है एक्स माइनस 35, यानी 70 माइनस 35 कर लो तो कितना आ जाएगा 35 ईयर। और ए का उम्र कितना हो जाएगा एक्स माइनस 63, यानी 70 माइनस 63 करने पर 7 ईयर। देखिए बारी बारी से सबकी उम्र निकल गई, ग्रैंडफादर की भी, फादर की भी और ए की। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 ईयर फ्रॉम नाउ कविता विल बी थ्री टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज। देखिए क्या बोला जा रहा है कि आज से 24 साल बाद, आज से 24 साल बाद कविता अपने आज की उम्र से तीन गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि उसकी आज की उम्र है कितनी, ठीक है, आज की उम्र है कितनी, तो आज की उम्र उसकी कितनी होगी, मान लीजिए एक्स है, ठीक है। द लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ कविता, प्रेजेंट एज ऑफ कविता इज एक्स ईयर, आज उसकी उम्र कितनी है एक्स साल है। तो 24 साल बाद यानी आफ्टर 24 ईयर एज ऑफ कविता, कविता की एज कितनी हो जाएगी, तो एक्स प्लस 24 कितना हो जाएगा एक्स प्लस 24, 24 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 24 प्लस हो जाएगी। तो हमने कर दिया कि 24 साल बाद उसकी उम्र x प्लस 24। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर तीन गुना हो जाएगा, 24 साल बाद जो उम्र है उसका अभी का तीन गुना हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो x 3 साल बाद में जो उम्र है, 3 साल 24 साल बाद में जो उम्र है वो आज से 3 गुना हो जाएगा, आज का उम्र से 3 गुना। तो देखिए x बन जाएगा तो माइनस, यानी 3x माइनस x, और इधर क्या रह जाएगा 24 ही रह जाएगा, ठीक, ये उधर चला गया उसको हमने इससे पहले लिख दिया। तो 2x बराबर क्या आ गया 24, 2 से कट गया 12 आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया 12, यानी आज उसकी उम्र कितनी है 12 साल। 24 साल बाद कितनी हो जाएगी 36 साल, देखिए तो 12 का 3 गुना है कि नहीं, तो ये आसान आसान से क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, महेश इज थ्राइस एज ओल्ड एज तरुण, महेश जो है वो तरुण से तीन गुना है, ठीक है, थ्राइस एज ओल्ड एज तरुण, यानी तरुण का तीन गुना, ठीक। टू इयर्स अगो हिज एज वाज फोर टाइम्स ऑफ एज ऑफ तरुण से, देखिए तो इसमें पहले तरुण और महेश में किया गया है, तो महेश जो है वो तरुण का तीन गुना है, यानी तरुण से महेश भी साइड हो रहा है, तो पहले तरुण को ही मान लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ तरुण, प्रेजेंट एज ऑफ तरुण, तरुण का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है एक्स ईयर, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ तरुण का एज पता है तो महेश का एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ महेश कितना हो जाएगा थ्राइस एज ओल्ड एज तरुण, यानी इसका तीन गुना, यानी 3 × x, यानी कि 3x ईयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ महेश कितना हो गया 3x ईयर। अब देखिए फाइंड द प्रेजेंट एज, दो साल पहले 2 इयर्स अगो उसका जो उम्र था वो 4 गुना था, तो बिफोर 2 इयर्स अगो, 2 इयर्स अगो दो पहले, 2 साल पहले दोनों की उम्र कितनी रही होगी, तो एज ऑफ तरुण, तरुण का उम्र कितना होगा एक्स माइनस 2, और एज ऑफ महेश 2 साल पहले कितना होगा 3x माइनस 2, कितना होगा वो एक्स माइनस 2 होगा, और ये कितना होगा 3x माइनस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साल पहले इसका ही 4 गुना था, यानी 3x माइनस 2 जो था वो, या फिर इसका 4 गुना ये था, तो 4 × x माइनस 2 जो है वो 3x माइनस 2 के बराबर है, इसका 4 गुना किसके बराबर है
महेश की उम्र का, ठीक, 4 से मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 8 बराबर 3x माइनस 2, ये इधर आएगा तो माइनस 3, उधर जाएगा तो प्लस 3, 4x माइनस 3x बराबर माइनस 2 प्लस का 8, सॉल्व करेंगे तो x और 8 में से टू गया 6, यानी x बराबर 6, यानी तरुण की उम्र कितनी थी 6 और महेश की उम्र कितनी थी 18, ठीक है। तरुण की उम्र कितनी थी x यानी कि 6 ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ महेश, महेश की उम्र कितनी थी 3x यानी कि 3 into 6 18 ईयर, ओके। चलिए 18 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया, वैसे ही 19 भी है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू सिस्टर्स इज 2:3, ठीक है। अब थोड़ा सा शॉर्ट कट आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए आपको कुछ बनेगा, देखिए 19 क्या है, टू सिस्टर की जो उम्र है वो 2:3 है, यानी एक का हो जाएगा 2x और दूसरे का हो जाएगा 3x, ठीक है। हो रहा है कि आगे 6 ईयर लेकर 6 साल बाद दोनों का जो रेशियो होगा 3:4 हो जाएगा, 6 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 2x + 6 और 6 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 3x + 6, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना आ गया 3:4 का रेशियो, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8x + तो मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 8x + 24 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 18 आ जाएगा, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, और इस बात है कम ज्यादा के साइड, तो 24 माइनस 18 हो जाएगा और 9x माइनस 8x हो जाएगा, यानी क्या हो गया x बराबर 6, x बराबर क्या आ गया 6, यानी 6 ईयर जो है वो x की वैल्यू आ गई। तो इस हिसाब से 2x यानी एक कितना उम्र हो जाएगा 2 × 6 12 ईयर और दूसरे का उम्र कितना आ जाएगा 18 साल, यानी एक जो बहन है वो 12 साल की है दूसरी बहन 18 साल की है, ठीक है। वैसे ही 20 क्वेश्चन, आलोक एज इज 4 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, सन का एज से 4 गुना है, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है सबके सब, तो सन का एज मान लेते हैं x, तो आलोक कितना हो जाएगा 4x अपने बेटे का 4 गुना, ठीक। आगे 6 ईयर लेटर 6 साल बाद, 6 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी 6 ईयर लेटर सन की एज जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी x + 6 और आलोक कितना हो जाएगा 4x प्लस 6, ठीक है। दोनों की उम्र पता चल गई। अब आगे ही वाज 12 टाइम्स हिज सन से 8 इयर्स अगो, सॉरी मैंने क्वेश्चन दूसरा बोल दिया, या 6 ईयर लेटर नहीं है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 8 इयर्स अगो 8 साल पहले, तो 8 ईयर अगो, 8 ईयर अगो सन कितना हो जाएगा x माइनस 8 और आलोक कितना हो जाएगा 4x माइनस 8। बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो सन था, सन जो आलोक था वो कितना हो जाएगा 12 टाइम्स अपने सन के एज का है, कितना है 12 टाइम्स 20 गुना है, तो क्या हो जाएगा 12 गुना, सॉरी 12 टाइम 12 गुना, यानी 12 टाइम सन के एज इक्वल्स टू आलोक एज, ये बोल रहा है अपने बच्चे से इतना बड़ा है, तो 12x माइनस 96 बराबर 4x माइनस 8, 4 इधर आएगा तो माइनस 8, यानी 12x माइनस का 4x और माइनस 8 प्लस का 96, सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 12x 4 क्या 8x बराबर 88, 8 से कट गया 11 बार में, यानी x बराबर 11, यानी मतलब क्या निकला कि सन की एज 11 साल और आलोक की एज 44 साल, तभी 8 साल बाद ये रिलेशन बन। 20 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट है, बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, ओके थैंक यू।